अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है और आप देख रहे हैं हारून टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो ब्रेक शू का मसला है वो क्या मसला है, ठीक है। इसमें मैं आपको तीन बातें हैं जिनका मैं आपको मसला बताऊँगा। एक तो आप जब ब्रेक दबाते हैं तो आपकी ब्रेक लगती नहीं है, मतलब कि ब्रेक शू जो है ना ग्रिप नहीं कर रहे अंदर व्हील को, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है ना ब्रेक सही से लग नहीं रही। दूसरे नंबर पर आपके जो ब्रेक शू हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते क्यों होते हैं, ठीक है, इसकी भी मैं वजह बताऊंगा आपको। और जो है ना तीसरे नंबर पे ये बात है कि आप जो है ना महीने में बहुत से ब्रेक शू चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना ब्रेक भी ठीक नहीं लगती और जो है ना ग्रिप भी सही से नहीं हो रही, ठीक है। इन तीन मसलों का आज मैं आपको जवाब दूँगा और दिखाऊँगा भी कि इनमें क्या मसला है और कौन सी वजूहत की वजह से जो है ये मसला पेश आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को आपने लाजमी लास्ट तक देखना है और मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इधर ही वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मैंने भी आज 15 मोटरसाइकिल खोला हुआ है तो उसका मैं आपको जो है ना पहले नंबर में मसला बताऊँगा कि ये मसला क्यों आ रहा है। जो आप ब्रेक शू नहीं डालते हैं लेकिन जो है ब्रेक शू ऐसे टाइट हो तो हो जाते हैं लेकिन ऐसे लगता है कि ऐसे ब्रेक शू ख़त्म है या पुराने डले हुए हैं, ठीक है, सेटिंग से बाइक की सेटिंग जब देखते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं या कोई मैकेनिक देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा। तो ये मेरे पास ब्रेक शू मौजूद हैं, ये जो प्लेट है ये भी मॉडिफाइड की है और ब्रेक शू हैं ये आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें ये ब्रेक शू कितने मोटे हैं, ठीक है। ब्रेक शू ये बिल्कुल ठीक है, ब्रेक शू ये ख़त्म नहीं हो गए, ठीक है, लेकिन जब ये ब्रेक शू हम डालते हैं तो ये जो हमारी केम है ये इधर आ जाती है, ठीक है। ये इधर क्यों आ जाती है, इसकी क्या वजह है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखें ये मेरे पास जो है ना ये पड़ा हुआ है, मैं आपको जो है ना सही से बता दूंगा। ये हब है, ये जो आपका मसला होता है ये हब का होता है, ठीक है। हब में ये जो स्लीव लगी हुई है ये बिल्कुल घिस गई है। हम थोड़ा जूम करके आपको ये लाइनें और ये जो ख़राब हुई है ये आपको दिखाते हैं, थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चल जाए। तो आप ये गौर से देख सकते हैं कि बीच में लाइनें पड़ी हुई हैं और आखिर पे जो ये कट डला हुआ है उस कट तक जो है ना ऊपर तक स्लीप थी, लेकिन ये जो सारी स्लीप है ये घिस गई है, ऊपर तक स्लीप थी यहाँ तक, लेकिन ये सारी स्लीप घिस गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम नए ब्रेक शू तो डालते हैं, ठीक है, लेकिन ये केम बहुत आगे काम कर रही है। अभी ये केम इधर काम कर रही है, ये देखिए ये केम अभी इधर काम कर रही है ये यहाँ पे, ठीक है, लेकिन पहले ये केम यहाँ पे आ रही थी जहाँ पे मैं आपको इशारा बता रहा हूँ। अभी इधर क्यों आ रही है, मैंने जो है ना फिलहाल जो है ना इस बंदे को जो है ना जल्दी थी तो मैंने जो है ना ये वायर जो है ना लपेट कर जो है ना गुजारा चला दिया था ताकि ये काम करे, ठीक है। ये बहुत अच्छी जो है ना सेटिंग मैंने बनाई थी ताकि ब्रेक शू चले, ठीक है, लेकिन आज हमने खोला है तो आज हम जो है ना इसकी जो है ना मुकम्मल ये स्लीप डलवाएंगे और ये तार भी ख़त्म करके, ठीक है, और ब्रेक शू नए डालकर हम आपको दिखाएंगे। आज मैं उसकी स्लीप डालूंगा और डलवाऊंगा खराबी से और फिर आपको दिखाऊंगा भी वीडियो में, ठीक है, और ताकि आपको पता चल जाए कि जो है ना स्लीप कहाँ से डलवानी है कैसे डलवानी है, ठीक है। वो अपने खराबी के पास चले जाने, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा कौन सी डाले कौन सी नहीं डाली, और ब्रेक शू जो है ना आपने अच्छे वाले डालने, ठीक है। ज़्यादातर ब्रेक शू जल्दी जो ख़त्म हो जाते हैं वो ब्रेक शू अगर ठीक ना हो फिर भी ख़त्म होते हैं, अच्छी कंपनी के डालें, ठीक है, तो कोयो के डालें, SID के डालें, ठीक है, क्रोन वगैरह के डालें, ISH के डालें, ब्रेक शू आप अच्छे डालें ताकि जो है ना अच्छा काम करें। तो आपने ये वीडियो देख लिया, इस वीडियो में जो है ना मैं आपको ये भी बता दूँगा, ठीक है, खराबियों से जो है ना मैं पता करवाऊँगा कि इसका जो ख़र्चा है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूँगा कितना ख़र्चा आया, ठीक है, और स्लीव लगवाने के बाद मैं मुकम्मल वीडियो भी दोबारा इसमें ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे स्लीव उन्होंने डाली है और ब्रेक शू भी नए इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है ना इसमें आप मैं स्लीव लगवा लिया खराबी से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल अभी क्लियर हो गई है। पहले आपको मैंने दिखाया था ना कि ये स्लीव में जो है ना लाइनें भी थी कट भी थी, ठीक है, तो अभी स्लीव हमने नई लगवा ली है। तो ये मैंने ब्रेक शू भी जो है ना नए इंस्टॉल कर दिए हैं, मोटे जो है ना गेज वाले हैं, ठीक है, ब्रेक शू। तो अभी आपके जो है ना ब्रेक शू भी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, और ब्रेक भी ठीक लगेगी, ग्रिप भी ठीक होगी। तो अभी मैं आपको ये जो है ना लगा कर भी चेक करवाता हूँ, ये देखें ये प्लेट मैंने बिठा दी है,
ये देखे भी इतना फ़र्क आ रहा है, ठीक है, एक दो जुड़ियों का। अभी ब्रेक भी ठीक लगेगी, ब्रेक शू भी ज़्यादा टाइम निकलेंगे, ये अभी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और इसमें जो मैंने वो तार लगाई हुई थी यहाँ पे, वो मैंने तार भी जो है ना ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ये आपने वीडियो लाजमी पूरी देख लेनी है, और अगर किस बात की समझना है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।